हेलो रेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में और आज जो पेपर था ये था स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो पेपर है ज़्यादातर सैन फाउंड्री डॉट कॉम नाम की वेबसाइट से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो हैं वो देखे गए हैं तो वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है एक एक करके अब इसको स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 ट्वेंटी डिग्री द ग्रेटर फोर्स इज हंड्रेड के जी एंड द रिजल्टेंट इज़ पर पेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स द स्मॉलर फोर्स छोटी फोर्स कौन सी होगी इसका आंसर है फिफ्टी के जी ठीक है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हंड्रेड कॉस टाइम्स जो भी एंगल है यानी फोर्स जो बड़ी वाली फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा के साथ तो थीटा 120 डिग्री है तो 120 हो गया वन बाय टू तो 100 का आधा हो गया 50 के तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑन अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द रिजिड बॉडी में बी कंसिडर्ड एज इसका आंसर होगा सी ठीक है ऑन एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्र स्कर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका ऑप्शन सी है ए रेज टू पावर फोर अपॉन ट चौथा क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है फाइंड द इलांगेशन ऑफ एन ऑफ अ स्टील रॉड ऑफ हंड्रेड एम एम लेंथ वैन इट इज सब्जेक्टेड टू अ टाइल स्ट्रेन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव तो इसका आंसर है सी जीरो पॉइंट फाइव एम एम पांचवा क्वेश्चन जो है इन सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट है सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन मिड स्पैन पे सबसे ज्यादा बेंड होता है आपका बीम ये आपको भी पता है बेंडिंग अगर होती है तो सेंटर पे सबसे ज्यादा होती तो है तो पांचवे क्वेश्चन का आंसर है ए और छठा क्वेश्चन है वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लाइज कहाँ पे इसकी रॉड की uniform, uh, जो यूनिफॉर्म रॉड है उसकी सीजी लाई करती है तो छठे क्वेश्चन का है एट इट्स मिड पॉइंट उसके मिड पॉइंट पे उसके सेंटर पॉइंट पे उसकी सीजी जो है वो लाई करती है इसके बाद सातवां क्वेश्चन है इन सिंपली सपोर्टेड बीम द स्लोप इज स्लोप क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम स्लोप होता है ठीक है सपोर्ट्स पे आठवां क्वेश्चन है इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट डिफ्लेक्शन पे सबसे ज्यादा होती है सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है मिड पॉइंट पे ही होती है ये रिपीट किया क्वेश्चन लगता है हाँ ये रिपीटेड है पांचवा और आठवा क्वेश्चन सेम लग रहा है. सेम ही है मिड स्पैन पे डिफ्लेक्शन होती है ठीक है नोवा uh, क्वेश्चन uh, हमारे सामने है इफ द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज हंड्रेड देन इट इज सेड टू बी अ डैश कॉलम हंड्रेड होगी तो इसको लॉन्ग कॉलम कहेंगे ठीक है दसवां क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द टोटल एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इज एज्यूम टू बी कॉन्सनट्रेटेड इज नॉन एज इट्स को सेंट्रॉयड कहते हैं ए इसका ऑप्शन है ग्यारहवा क्वेश्चन जो है थ्योरी किसने दी ये थ्योरी जो है ये किस थ्यूरम की है इफ ए बॉडी इज इन इक्वेरियम अंडर द फोर्स ऑफ द थ्री कोप्लेनर फोर्सेज तो ये लैमिज थ्यूरम है ठीक है उसके बाद हमारे पास ट्वेल्थ क्वेश्चन आ जाता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगर लेमिना लाइज एट ये भी सेंट्रोइड ऑफ द सेंट्रोइड पे डिपेंड करता है मतलब तीनों तरफ से अगर आप लाइंस को डायगनल्स को ड्रा करते हो लाइंस को ड्रा करते हो जो परपेंडिकुलर है एक तो जहां पे वो काटती हैं उसी को हम वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है ट्राइंगल की तो सेंट्रॉयड ही है इसका तेरहवा क्वेश्चन जो है डैश इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर मेड ऑफ द सिलेंडर मेंबर्स विच आर ज्वाइंट टूगेदर एट इट्स एंड पॉइंट इसका है ट्रस चौदह क्वेश्चन है टू डिजाइन द ट्रस विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज फॉलोड कौन से रूल को फॉलो कर किया जाता है इसमें तो चौदहवें क्वेश्चन का आंसर है बी द लोड आर अप्लाइड एट द ज्वाइंट क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है पहला ऑप्शन जो है वो सेम क्वेश्चन को ही इन्होंने डाल दिया हुआ है बट इसका ऑप्शन नंबर बी है यानी द लोड्स आर अप्लाइड एट द द्वाइंट्स पंद्रहवा क्वेश्चन जो है ट्रसेज आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस इसका आंसर होगा सोलवा क्वेश्चन है ट्रसेज आर एडॉप्टेड फॉर डैश स्पैन तो इसका है वेरी लार्ज स्पैन के लिए यानी इसका सी ऑप्शन है द एक्सेज अबाउट विच द मूवमेंट ऑफ एरिया इज टेकन इज नाउन एस इसका ऑप्शन नंबर है सी एक्सेज ऑफ रेफरेंस तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट वेयर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम बी इसका ऑप्शन रहेगा अठारवें क्वेश्चन का है सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम उन्नीसवां क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होता है वो बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व होता है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा बीसवां क्वेश्चन है द लॉ विच स्टेट्स इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूज इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ है ये ठीक है बी इसका ऑप्शन है इक्कीसवां क्वेश्चन जो है वॉट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इसका ऑप्शन सी बी होगा उसके बाद बाईसवां क्वेश्चन क्या है कि डैश इज अ हॉरिजेंटल मेंबर सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसवर्स लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इसका आंसर है बीम बीम जो होता है वो हॉरिजेंटल मेंबर होता है और उसके बाद जो लोड है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है तो इसका आंसर बीम है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन की ठीक है अब देखो ट्वेंटी टू क्वेश्चन दो बार डाला हुआ है तो इसका मतलब ये जो पहला बीम वाला है ये ट्वेंटी टू होगा दूसरा वाला एडिशनल है इसका ना तो कोई मार्क्स आपको मिलने वाला है तो इसको आप काट दो ठीक है ये यही क्वेश्चन इन्होंने ट्वेंटी फोर्थ में भी रिपीट किया हुआ है ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन जो है रिसाइलेंस ऑफ द मटीरियल इज कंसिडर्ड वैन इट इज सब्जेक्टेड टू शॉकिंग लोड इसका आंसर होगा ठीक है द बकलिंग लोड फॉर द गिवन मटीरियल इज डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करता है इसका ऑप्शन है डी सिलेंडरनेस रेशो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन तो ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन ही है तो शॉकिंग लोड इसका आंसर होगा ठीक है तो अब कुल मिलाकर आपके तीन क्वेश्चन ऐसे डाले थे जो रिपीट से मतलब दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं बेसिकली एक तो एडिशनल क्वेश्चन हो गया ना ठीक है तो इसके क्वेश्चन के नंबर जो है ये आप सभी को मिल जाएंगे आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो ऑटोमेटिकली वो नंबर सभी बच्चों को जो है वो मिल जाता है वैसे तो अब इनका क्या रूल होगा वो देखते हैं बट मिलना चाहिए ठीक है तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पेपर और सारे आंसर्स आपको सेंट वेबसाइट पर मिल जाएंगे ठीक है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल